रहे अमन देखियो तुम ओपेसो भी पैसा लेगा क्यों तू कोई रिश्तेदारी में आ रही है अपने फूफा जयकरण पे तो ला दे। देख भाई रुचि हमारे बाबन जो है ना यहाँ उसका कुछ नियम कानून बना रखे डॉक्टरी करने में भी उनका पैसा खर्च हुआ तो या हमारे स्टाफ चलता ना हो तो कोई बात ना फिर बाय बाय पैसा हो तो जॉक्सु दिखवा ले तू अगर 5 रुपया हो तो कोई दिक्कत ना फिर देख लेंगे हमारे बाबा। चल ठीक है तुम तो 5 रुपया पड़े दे देता फिर ले तो हैंग मां बेचारे ने दे दिए 5 रुपया दिखवा ले हमारे बाबा बैठे भीतर जा पर्ची तो दे दे पर्ची दे दो माइक काट के दे दो एक रसीद काट के आ ले नुई ले जाके दे दी जो हम ऐसी देख रहे हैं पर्ची समझ जांग बाबा जा। बाबा मोहन ट्यूशन में एक लौंडा छेड़ा है। ट्यूशन में लौंडा छेड़ रहा? हाँ बाबा। तू भावली तो ना मैं 2-4 किलोमीटर में ओरे धारे तो देख सकूं दिक्कत है मेरे बस की नौ ग्रेटर नोएडा छाड़ो मेरे पवन में वैसे ही बाय बाय रहे। जा जा यार तुम्हारी ये गलत बात देख लो फिर तुम बावली बात तो करो ना करते हो जब तुमने अपने इस बोर्ड में इश्तियार दिया अनुका जी लड़ाई झगड़ों के मामलों में भी सुनवाई होगी क्योंकि तुम पहले बदमाश रह चुके हो और अब जाना रही हो उसके साथ में। ए भाई मुकद्दम हमारे तो बस की है नौ तक जानो तेरे बस की हो तू चलो चाचा। अजी मेरा क्या मतलब पड़ा है इन चक्करों में पड़ने का चाचा इससे बढ़िया तो तुम मुझसे कहने की बजाय अपने पोते से क्यों ना कह देते हो उसकी तूती भी चलती कही है ग्रेटर नवेडे में सुना मैंने उसको भेजो मुझे भेज रहे हो। अजी अब कहो तूती धरी है ठंडी पड़ गई बर्फ जमगी तू तीन की अब भेज दो बाबा। अभी कहूंगा था बैठा अमन ने। हाँ जी बाबा आ रहा हूँ। बैठा है लौंडिया गल जाथन ग्रेटर नोएडा एक लौंडा जो उड़ रो कही है वाके पंखन ने कुतर दे। ठीक है जी बाबा जी जा रहा हूँ। बाबा जी पाम छुई छुआ चल्दी चल कच्छा तो ही जाएगा थे ना बाबा कच्छा में ना जा रहा बदल लूंगा लगता नए पैर के जाऊंगा। देख ले आपका कहा नया एक्सल लाया कहा करके पाम छुई छुआ।